ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। देखो भाई यहां पे ना, यहां से आपका धीरे धीरे चैप्टर ओपन होना चालू हुआ है। मैंने बोला हुआ है कि आपका कॉन्जुगेट से और मॉडुलस के बाद से चैप्टर ओपन होना चालू हो गया। तो मैंने बताया था कि जब से कॉन्जुगेट आपने पढ़ लिया, उसके बाद से मॉडुलस पढ़ लिया, तो लगभग लगभग चैप्टर ओपन लगा। अब ये उसका थोड़ा एक और एडवांस पैटर्न है, पार्ट है ये कि जब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बाद चैप्टर और थोड़ा सा ओपन होगा। अब पूरी तरह से ओपन हो जाएगा जब हम पढ़ लेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर ओपन हो जाएगा, नंगा हो जाएगा पूरी तरह से, जैसे मर्जी वैसे हम लोग इसमें सवाल सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले देखो इसकी जो एक बात है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि देखो ये पहली बात मैं लिख रहा हूं कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। कैसे होता है सर ये भी मैं बता दूंगा, ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू। और चाहे ऐसे लिख देता हूं एक और कि यहां पे अभी थोड़ी देर के लिए बस लिख देता हूं कि मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, ये आपका है, ये एक तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का एक बेसिक पार्ट है। पर एक्चुअल रियलिटी क्या होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कि देखो अगर हम कहें आपसे कि दो साइड का, जैसे देखो ट्रायंगल, जैसे मान लो कि ये आपका प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल है ये इमेजिनरी है। तो मैं बात करूं कि यहां कहीं जेड वन है, यहां कहीं जेड टू है, तो जेड वन अगर देखो जेड वन ये है, जेड टू ये है, आ रही बात समझ में? जेड वन प्लस जेड टू का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कुछ ये कहीं यहां बना रहा होगा, क्या ये जेड वन प्लस जेड टू ये वाली लंबाई जेड वन प्लस जेड टू के बराबर होगी क्या ये वाला वेक्टर, याद करो, अरे आ रही बात समझ में? अच्छा ऐसे भी या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये तीसरा वाला वेक्टर क्या होगा, तीसरा वाला साइड का वेक्टर भी। तो अगर हम कहें कि अगर ये जेड वन जेड टू और जेड वन प्लस जेड टू किसी ट्राइंगल के तीन साइड बना रहे हैं, तो हम जानते हैं कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। देखो तो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, या मैं कहूं कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। तो अगर ये जेड वन प्लस जेड टू है तो ये लंबाई ये हो जाएगी मॉड जेड वन, ये हो जाएगा मॉड जेड टू, ये हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो आपका देखो दो साइड की लंबाई का सम तीसरी से बड़ी या दो साइड के लंबाई का डिफरेंस तीसरी से छोटी, तो ये आपका इस पे चलता है, चूंकि ये वेक्टर की तरह ही फॉलो होता है इसलिए इस पे चलता है। बस मैं इसको हटा के दूसरा लिखता हूं जिसको कि अगर वो याद है तो आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। देखो क्या, देखो ध्यान से, मॉड जेड वन प्लस जेड टू ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू। हाँ देखो ये क्या, ये दूसरा वाला डायगोनल है पैरेललोग्राम का जो बनेगा, फिर ये लेस देन आर इक्वल टू, अब जरा देखो और भी आएगा, मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू इस पूरे का मॉड और लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस, क्योंकि हमारे पास जगह ही इधर इतना कम हो जा रही है। देखो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू। अब जरा देखो इसमें और इसमें फर्क बस एक ही चीज का है कि हो सकता है कि जेड वन, हाँ साइन के बस फर्क है, बाकी ये और ये लंबाई सेम ही आएगी अगर मॉड में देखा जाए तो। ये लंबाई देखो यहां से इस पूरे पे मॉड लगाने का मतलब अगर ये निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा अदरवाइज। तो इसमें बेसिकली ये है कि सबसे छोटा ये वाला, फिर उससे बड़ा इनके बीच का डिफरेंस, फिर इनका जब ये दोनों में से बीच वाले में से मॉड हट जाएगा तो ये, फिर इनके बीच में प्लस हो गया, फिर प्लस होने के बाद ये बिछड़ गए। अरे बात समझ में? पहले दो लोग मिले, फिर वो साथ रहना चालू किए, फिर और भी क्लोज आए, फिर बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, फिर दोनों बिछड़ गए। अरे होगा ना, यही चीज तो होता है कि दो लोग ज्यादा क्लोज आएंगे तो बिछड़ेंगे, पक्की बात है। अरे बात समझ में? इसमें तीसरे नंबर पे आता है, ये तो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अब जरा देखो पूछा क्या जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जेड वन प्लस जेड टू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, अदरवाइज हमेशा इससे छोटा रहेगा, बात समझ में आ रही है, या मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू के ही बराबर होगी, क्या इस इनइक्वालिटी से ढूंढ लो सबसे आगे वाला ये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम जनरली हम लोग इसको लिख देते हैं, अरे बात समझ में, इसको जनरली लिख देते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू ये है क्या आपका, मॉड जेड वन माइनस मॉड
जेड टू, बात समझ आ रही है। और जेड वन माइनस जेड टू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो सबसे ज्यादा हम लोग यूज इसी का करते हैं, कैसे यूज होता है सवालों में ये जरा देखो। ऐसे मान लो कि गिवन हो, गिवन हो क्वेश्चन में, गिवन इफ मॉड जेड वन माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू वन, मॉड जेड वन मॉड जेड टू माइनस टू लेस देन आर इक्वल टू टू, मॉड जेड थ्री माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल टू थ्री, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। अब जरा देख लो इसका एक सवाल आप देख लो, उसके बाद आपको समझ आएगा कि अप्लाई कैसे करना है। एक सवाल आप देख लो पहले, तो क्या है सवाल में दिया क्या है कि जब Z1 माइनस वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 माइनस वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 माइनस टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z3 माइनस थ्री एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो Z1 माइनस वन है वो हमेशा एक से छोटा है, Z2 माइनस टू है जो हमेशा दो से छोटा है, Z3 माइनस थ्री हमेशा तीन से छोटा है। अब हमको लेकिन कह रहा है इसकी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो हमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। दो ही चीज हम करते हैं, या तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं या फिर ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। क्योंकि ऐसे सवालों में ज्योमेट्री अप्लाई हो नहीं पाएगी, तो हमें क्या करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। जब ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा क्यों अप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे जो गिवन है, अगर जो ये चीज पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर हमको इस पे अप्लाई करना है ये वाला, तो पहले हमें अंदर में जेड वन माइनस वन होना जरूरी है। जेड वन माइनस वन होगा तभी हम उसको अलग करके लिख सकते हैं कि वो एक से छोटा है। तो क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे कि जेड वन माइनस वन एक बना लिया हमने, फिर जेड टू को किसकी जरूरत है टू को, जेड टू माइनस टू, जेड थ्री को किसकी जरूरत है थ्री की। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा तीनों हमने मिलकर कितना घटाया है इस पूरे सिस्टम से, छह घटाया है, तो क्या करें छह जोड़ दे। अच्छा क्या रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है क्या? अब इन सब पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई हो जाएगी क्या? अब यहाँ पे यूज करेंगे यूज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हाँ कर, नहीं नहीं इन रियल नंबर में है तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होगा ना। वैसे तो रियल में होता ही है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा, हाँ कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। तो वहां भी ये तो होता ही है ना कि दो नंबर का सम तीसरे नंबर से छोटा होगा, वहां भी ये चीज यूज किया जाता है, बिल्कुल यूज किया जाता है। अब जरा देखो तो क्या यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा क्या? यहाँ पे मॉड जेड वन माइनस वन प्लस मॉड जेड टू माइनस टू हमने इस पे अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया, प्लस मॉड जेड थ्री माइनस थ्री इस पे अप्लाई किया, ये प्लस सिक्स इस पे अप्लाई किया। बोलो बात समझ में आया, इसकी वैल्यू किससे छोटा हो गया? एक प्लस ये दो प्लस ये तीन प्लस ये सिक्स, क्या है लेस देन आर इक्वल टू कितना आ गया, यानी मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री लेस देन आर इक्वल टू ट्वेल्व। तो ये बताओ मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की मैक्सिमम वैल्यू कितना आए, कितनी बात समझ में आए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 12। यार इसी सवाल को ये भी दे सकता था कि प्रूव दैट मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री लेस देन आर इक्वल टू 12। ये कई बार ऐसे भी आपको किताबों में मिल जाएगा, मिनिमम पूछेगा ना, वो भी वही चीज देके पूछेगा, उल्टा देकर मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम पूछना होगा तो ऐसे लेस देन देके पूछेगा। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम तो लेस देन देके पूछेगा और मिनिमम पूछना होगा तो इसी को उल्टा ग्रेटर देन देके पूछेगा, ताकि आप इसके पीछे से जब लेके जाओ तो वहां अप्लाई कर दो। अरे बस बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप अप्लाई कर दो। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है नोट कर लो। अब मॉड जेड माइनस सिक्स बाय जेड इज इक्वल टू थ्री, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हाँ ये मैक्सिमम, मिनिमा भी लिख लो, मिनिमा भी निकालने की कोशिश करना, देखना क्या आता है मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, जरा फटाफट निकालिए देखिए कितना आ रहा है। तो आपने से मॉड जेड की वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम,
तो मॉड जेड को हम लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस सिक्स बाई जेड प्लस सिक्स बाई जेड। अगर आप इसकी तरह नहीं बनाओगे तो यूज कैसे करोगे इसका? अरे बात समझ में, मॉड जेड इज इक्वल टू, पहले तो हम इसकी तरह इसकी सकल सूरत बनाएंगे, ऊपर जब तक इसका यूज करना है इसकी तरह सकल सूरत बनाने का मतलब सिक्स बाई जेड प्लस अंदर में ही ये सिक्स बाई जेड कर दिए तो अभी भी बैलेंस मॉड जेड ही लिखा गया है। अब क्या ये मॉड जेड क्या इसके ऊपर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू जेड माइनस सिक्स बाई जेड प्लस सिक्स बाई जेड ऐसा हो जाएगा क्या? बोलो ये पूरे मॉड में आ रही बात समझ में, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? बोलो इस पूरे की जगह पे थ्री प्लस ये हो जाएगा सिक्स अपॉन मॉड जेड, क्योंकि मॉड जेड एक पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में। क्या हो जाएगा ये मॉड जेड का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू थ्री मॉड जेड प्लस सिक्स, यानी फाइनली जो आया वो कुछ ऐसे आया कि मॉड जेड का स्क्वायर माइनस थ्री मॉड जेड प्लस माइनस सिक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो। जरा बताओ क्या यहां से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मॉड जेड को टी मान लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मॉड जेड को टी माने तो क्या ये टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस सिक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो? इसके फैक्टर ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, फैक्टर ढूंढेंगे तो क्या निकल के आएगा टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब नाइन माइनस माइनस प्लस फोर ए सी मतलब चौबीस अपॉन बोलो कितना 2a। अरे बात समझ में, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा क्या? अरे अरे बात समझ में, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 30 माइनस अपॉन 2। तो क्या इसके जो दो फैक्टर होंगे हाँ 33, तो ये इसके जो दो फैक्टर होंगे एक होगा t माइनस 3 प्लस रूट 33 बाई 2 और एक होगा आपका t प्लस 3 माइनस रूट 33 बाई 2। बोलो यही होगा जो दो फैक्टर, और ये आपका सॉरी t माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस में जाएंगे ना, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। आप याद करो कि दो जगह से होता है तो क्या इसकी वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू t की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई कर जाएगी? क्या t की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से यहां तक आएगी? अरे आएगी नहीं आएगी, मतलब t की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? वैसे मैंने ये ग्रेटर देन कैसे हो गया, लेस देन कैसे हो गया? अच्छा हाँ हमसे गलती हुई है, हाँ ये हाँ ये लेस देन हुआ है, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। हाँ बाकी तो सब सही है। अच्छा टी की वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो गया तो लेस देन आर इक्वल टू थ्री माइनस रूट 33 बाई 2 के से लेके 3 प्लस रूट 33 बाई 2। बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी है, यही मॉड जेड है ना, तो बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 3 माइनस रूट 33 बाई 2, और मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी गंदी वैल्यू आ रही होगी जबकि ऑप्शन में ऐसी गंदी गंदी वैल्यू दी रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे लगे कि इतना साफ सुथरा छोटा सा दे रखा है, बताए गलती क्या होती है, यही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर देते हो। अरे बात समझ, जबकि अप्लाई कहां करना है? अरे हमसे मॉड जेड का मैक्सिमम मिनिमम पूछा था, मॉड जेड पे अप्लाई करेंगे ना। जैसे याद करो पिछले सवाल में हमसे पूछा गया था जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मैक्सिमम वैल्यू, तो हम वहां पे अप्लाई किए थे, याद आया कि नहीं आया? तो जहां पे पूछा जा रहा है वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? नोट कर लो, अगला सवाल मैं लिखता हूं। हाँ पहला सवाल है मॉड जेड प्लस टू आई इक्वल टू टू, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ, इसका लिस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब हमें सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यूज करेंगे। पहले तो जो इसका निकालना है उसी के लिए अप्लाई करेंगे, निकालना है अपना मॉड जेड माइनस रूट थ्री प्लस आई। साथ साथ ये देखेंगे कि दिया क्या है, तो जेड प्लस टू आई दिया है, तो पहले यहां पे जेड प्लस टू आई कर लेंगे, और जेड प्लस टू आई करेंगे तो इसके लिए अपने को दो जोड़ना भी पड़ेगा, तो एक आई जोड़ना पड़ेगा इसमें, एक आई पहले से था, एक आई हमने जोड़ा हुआ है, तो एक आई घटाना पड़ेगा माइनस आई, तो ये हो जाएगा। अच्छा अब आपको याद होगा तो जब मिनिमम के लिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन अप्लाई होता है, ऐसा होता है क्या? तो ये जेड प्लस टू आई माइनस और मॉड में, अच्छा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू सवाल में दो दे रखा है माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट में रूट थ्री का स्क्वायर तीन प्लस वन का स्क्वायर वन, और ये कट पिट के क्या हो गया जीरो। तो मॉड जेड माइनस रूट थ्री प्लस आई का मिनिमम वैल्यू हो गई, इसलिए मिनिमम वैल्यू हो गया आपका जीरो। सेकेंड सवाल पे देखते हैं यहाँ पे यूनि मॉडुलर मतलब, अच्छा यूनि मॉडुलर मतलब जिसकी मॉड की वैल्यू यानी मॉडुलस की वैल्यू मॉड जेड टू इक्वल टू वन हो, ठीक है ना? अरे लाइन लिखनी रहती है, लाइन एज इट इज रहता है, आईटी में एज इट इज रहता है कि जेड टू इज यूनि मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये चीज देख करना कुछ नहीं है, बस वही जो करना है वो कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप, हाँ तो पहले तो
एक ही बार हम ले लेते हैं ना कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, इसका मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमेशा मॉड में रहता है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, मॉड जेड वन की वैल्यू आपका 24 का अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये शायद 25 होता है क्या, और ये माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू यहां पे जेड वन प्लस जेड टू, और लेस देन आर इक्वल टू वैसे ही यहां पे अंडर रूट में ये इसको मॉड जेड वन की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 25 प्लस वन, यानी आंसर हो गया 24 से लेकर के किसके बीच में 26 के बीच में, यानी मिनिमम वैल्यू आपकी है 24 और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 26। बात समझ में आ रही है, यूनिमॉड्यूलर का मतलब है मॉड जेड टू इक्वल टू वन, और मॉड जेड वन दे रखा है यहाँ पे, मॉड जेड वन इक्वल टू अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है आपकी 25। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट पे, आर्गुमेंट जिसको कि एम्पलीट्यूड, हाँ ये खत्म, ये इस पे और क्या, इस पे सवाल आते रहेंगे, अब एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट पे अब सवाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। एम्पलीट्यूड देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है उसको या तो एम्पलीट्यूड बोला जाता है या तो आर्गुमेंट बोला जाता है। एम्पलीट्यूड नहीं, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एंगल, एक्चुअल में आर्गुमेंट का मतलब हम पहुंच गए हैं एंगल पे, जैसे मान लो कि वेक्टर में नहीं अपने पास एक एंगल होता है और एक डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, एम्पलीट्यूड मतलब एंगल, तो अब एंगल पे बात करें, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड को एंगल कहते हैं। जैसे पहली बात को अगर इससे डिनोट करें, पहली बात अगर लिखते रहो मेरे साथ साथ कि डिनोटेड बाई कई बार ए आर जी जेड से, यानी ये मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर कई बार ए एम पी, दोनों एक ही चीज है, ए एम पी जेड, कई बार या तो ए एम पी जेड लिखा जाता है या ए आर जी जेड लिखा जाता है, मतलब आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। होता क्या है, ये होता है आर्गुमेंट ऑफ जो जेड है, वो आर्गुमेंट ऑफ जेड है आपका एंगल मेड बाई लाइन ज्वाइनिंग जेड एंड ओरिजिन, एंगल मेड बाई लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन फ्रॉम रियल एक्सिस, इसमें पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, रियल एक्सिस, सोचो इसमें हम लोग पॉजिटिव नहीं लगा रहे हैं। आपको याद होगा हम लोग जब हम लोग स्लोप निकालते थे तो वहां पे लाइन के लिए हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस नापते थे, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगा रहे हैं। वजह क्या है कि देखो ये दिखता कैसे, अगर हम इसकी फोटो की बात करें, ये फोटो कैसी इसकी दिखती है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब ये होगा, जैसे मान लो कोई आपके सामने है एक्स प्लस आई वाई, तो अपने पास ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसका मैं एकदम बहुत सीधा सा फंडा बता दूंगा, उस फंडे से आपको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगी। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये अगर रियल एक्सिस है, मान लो यहां पे कोई जेड है, तो ये जेड को सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछ रहा है, मतलब जेड को किससे ज्वाइन करेंगे हम, ओरिजिन से, और ओरिजिन से रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस से इससे जो ये एंगल बनाएगा वही एंगल थीटा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। और अच्छा जरा देखो क्या ये वाली लंबाई, अगर ये जेड एक्स प्लस आई वाई है तो क्या ये लंबाई आपकी वाई है और ये लंबाई क्या है, क्या यहां से tan थीटा हम लोग निकाल सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा tan थीटा y by x, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स y upon x। लेकिन अब ये विशेष इसमें बात ये है कि ये अगर यहां y इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये चीज थीटा अलग होगा, मतलब उस केस में आर्गुमेंट अलग होगा, थर्ड में होगा तो अलग होगा, फोर्थ में होगा तो अलग होगा। अच्छा एक बात, बेसिक फंडा कभी नहीं बदलता है कि अगर एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नापते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये बात तो सबको पता है कि एंगल क्लॉकवाइज नापते हैं तो आपका पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉक हो जाता है तो नेगेटिव होता है। अब एक बात ध्यान रखना चौथे नंबर पे कि जो एक्चुअल में रियल बात यही है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है वो होता है एंगल नियरेस्ट एंगल फ्रॉम रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस,
पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से सबसे क्लोज नजदीक वाला एंगल, चाहे उसको एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाना पड़े या क्लॉकवाइज, लेकिन वो सबसे नजदीक जिस जिधर से पहुंचेगा वही आर्गुमेंट ले लेगा, चाहे वो किधर साइड से हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज लो आप, एंटी क्लॉकवाइज, या आप क्लॉकवाइज लो, किधर से भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बस आपको साइन का अपना ख्याल रखना है, पर ये सबसे जिधर से नजदीक पहुंचेगा वही से ये मान लेगा। जैसे मान लो ये रियल एक्सिस है, मैं इस बार बिल्कुल चार अलग अलग, मैं चार अलग अलग जगह पे मैं आपका लूंगा, ये देखो एक तो यहां पे मैंने ले लिया कि अगर जेड यहां पे हुआ तो एक्स प्लस आई वाई, अगर जेड यहां पे हुआ तो, अगर यहाँ पे जेड हुआ तो इसको क्या कहेंगे, अलग अलग मैं चार अलग अलग चौक यूज करूंगा, देखो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस एक्स प्लस आई वाई, और अगर इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो हम क्या बोलेंगे जेड को, जेड को माइनस एक्स माइनस आई वाई, सही है ना, एक्स और वाई दोनों। अब देख लो इसको, देख लो ये जरूरी है देखना, और चौथे नंबर पे अगर मान, हमेशा ग्राफ से करना चाहिए, देखो बिल्कुल इधर देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अब देखो, देखो अगर मान लो कि ये वाली लाइन को मैं कहूं तो यहां से ये वाला आपको देखा जाए तो ये यहां से ये सबसे नजदीक एंगल है, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ये इसके लिए जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ए आर जी जेड की बात की जाए यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीधे सीधे टेन इनवर्स वाई मॉड वाई बाई एक्स, मॉड क्यों लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सिर्फ ये वाला एंगल थीटा की बात हो रही है। अगर मान लो यहां पे होगा तो अभी भी ये दो साइड से घूम के जाएगा, या तो ये यहां से जा सकता है घूम के, या तो इधर से घूम के जा सकता है, और सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा, इधर से जाना नजदीक पड़ेगा, तो ये वाला, अच्छा तो ये वाला एंगल होगा। उससे पहले अगर मैं कहूं कि इसमें लंबाई की मैं बात करूं तो देखो जो ये वाली यहां पे लंबाई है, अभी भी जो ये वाली लंबाई है ये है आपकी वाई, और ये वाली लंबाई जो है वो कितनी है एक्स, अरे बात समझ में, ये वाला एंगल कितना है अगर आप थीटा है तो इस वाले ये वाला एंगल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर है क्या थीटा, लेकिन एक्चुअल में हमें तो ये चाहिए क्या, ये पूरे पाई में से ये थीटा घटा देने से ये मिल जाएगा क्या, अरे बात समझ में, तो यहां के लिए आर्गुमेंट कितने के बराबर हो गया, यहां पे जो आर्गुमेंट हुआ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा के बराबर, बोला बात समझ में, हाँ नहीं थीटा नहीं, हमें आर्गुमेंट बताना है वो यहां से यहां वाला आर्गुमेंट होगा, थीटा क्या निकालेंगे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा ये छोटा वाला थीटा, अरे बात समझ में, तभी मैंने मॉडुलस लगा दिया क्योंकि यहां से भी मॉडुलस हम वाई बाई एक्स करेंगे तो वही निकल के आएगा छोटा वाला, हाँ जो नियरेस्ट जाएगा बिल्कुल, जैसे देखो थर्ड वाले में अगर यहां पे पहुंच गया तो देखो इधर से यहां नहीं नहीं यहां से पहुंचना इसको ज्यादा आसान है, इधर से पहुंचना इसको कठिन है, तो इधर से पहुंचना दूर जाएगा ये, इधर से लेके आएगा इतना घूम के आएगा यहां पे जबकि ये यहां से जल्दी पहुंच गया, तो इस बार ये वाला एंगल आर्गुमेंट हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये आर्गुमेंट आप जेड हो जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे, क्यों अभी भी ये लंबाई आपका एक्स है और ये लंबाई वाई है, सही है, मतलब ये वाला एंगल अभी भी जो ये वाला एंगल है थीटा वो है टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स के बराबर है, सही है, अरे बात समझ में, तो क्या ये, अच्छा बताओ ये पूरा यहां से यहां तक ले लिया माइनस पाई कहलाएगा क्या, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, क्योंकि उल्टा आ रहा है, और उस माइनस पाई में इतना एंगल जोड़ दूंगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो क्या इस बार आर्गुमेंट दे देगा, तो यहां पे जो आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड ये होता है माइनस पाई प्लस थीटा, और थीटा अभी भी टेन इनवर्स पाई बाई एक्स है, और जो ये वाला है जो ये वाला एंगल जो निकाल के आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सिर्फ यही वाला एंगल दे देगा क्या, बस ये क्या उल्टा घूम के आया क्या, तो माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, मतलब आर्गुमेंट क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू सिर्फ माइनस थीटा के बराबर हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, बात समझ में आ रही है, तो ये अच्छा इसको जो फिगर बनाए करेंगे सबसे बेहतर है समझना, कोई रटने वाली चीज नहीं है इसमें, कि सबसे नियरेस्ट जो जहां से उसको मिलेगा वही वाला एंगल इसका आर्गुमेंट दे देगा, बात पकड़ में आया, अच्छा आर्गुमेंट आप जेड का मतलब है जेड को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो जेड लिखा गया है, जो जेड लिखा गया है इसका मतलब है ऐसे जो आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा जा रहा है इसका मतलब हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जीरो,
अरे बात समझ में। अगर मान लो ऐसे लिखा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेड को जेड वन से ज्वाइन करने वाली लाइन वो एक्स एक्सिस से कितना, रियल एक्सिस से कितना का एंगल बना रही है, जेड का जेड वन से ज्वाइन करने वाली लाइन रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो आपका कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, तब तक इसका आर्गुमेंट निकालना होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक और बात है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो ये ओरिजिन से मतलब जेड माइनस जीरो का मतलब जीरो से ओरिजिन से जा रही है इधर साइड में, ये जो दूसरी वाली लाइन है वो ओरिजिन से जेड के साइड में जा रही है, तीसरी वाली जो लाइन है वो ओरिजिन से इस जेड के साइड में आ रही है, और जो चौथी वाली लाइन है वो ओरिजिन से इधर जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये वाली व्हाइट चौक वाली लाइन है वो सिर्फ यहां से निकल के इधर ही बढ़ेगी, पीछे नहीं आएगी, अगर सोचो पीछे है तो आर्गुमेंट बदल गया, यही आर्गुमेंट नहीं रहेगा, तब आर्गुमेंट माइनस पाई समथिंग हो जाएगा। अगर मैंने आर्गुमेंट फिक्स कर दिया कि इसका आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू मान लो पाई बाई थ्री मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री, पाई बाई थ्री 60 डिग्री, तो वो यहां से निकलना चालू करेगा और तब तक वो रहेगी जब तक वो 60 डिग्री का एंगल बनाती रहेगी। अरे बात समझ में, जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगी तो उल्टा 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब माइनस पाई प्लस 60 हो जाएगा आर्गुमेंट, मतलब वो 60 के बराबर नहीं रहेगा। अरे बात समझ में, तो ये ध्यान रखो कि अगर ये लिखा है जेड माइनस जीरो मतलब जीरो से निकल के बाहर की तरफ जा रही है, बात पकड़ में आ रही है, गलती लाइन की तरह नहीं करेगी कि इधर लाइन का स्लोप और इधर लाइन का स्लोप, लाइन कहीं से स्लोप एक ही होता है, वो गलती इस पर स्लोप वाली गलती इसमें नहीं करनी। बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको आप। ये मैं टेबल बना रहा हूं, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा, यहां पे उसका आर्गुमेंट लिखूंगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखूंगा, और यहां पे इसका फोटो बनेगा, फिगर बनेगा किस टाइप का ये दिखेगी। तो देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बोले तो क्वाड्रेंट तो पहचानना जानते हैं कि अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस केस में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, यहां पे एक बात हम रखेंगे थीटा इक्वल टू हर किसी के लिए टैन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स होगा, चाहे वो वाई अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो हमेशा ये मॉड वाई बाई एक्स रहेगा। तो इस केस में आर्गुमेंट एज इट इज थीटा और थीटा हो जाएगा, और जो ये फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा वाला आपका जेड होगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा आपका। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो उस केस में कैसे बनेगा, इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और दिखेगा कैसे इसका, इसका फिगर कैसे दिखेगा, तो यहां पे कहीं ये वाला एंगल, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहां पे ये वाला जो है वो आपका आर्गुमेंट है, ये वाला आर्गुमेंट ऑफ जेड ये वाला है, यहां पे कहीं जेड है, ये वाला एंगल थीटा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा तीसरा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो यहां से डायरेक्ट हम ले लेंगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई प्लस थीटा, और यहां पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यानी इसको इमेजिनरी एक्सिस बोले, यहां पे कहीं आपका अगर जेड है ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। बोले बात समझ में आया। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा उस केस में ये सीधे सीधे दिखेगा, ये सीधे सीधे यहां पे तो माइनस थीटा हो जाएगा, और फिगर कैसे दिखेगा, यहां कहीं हो जाएगा जेड ये, और ये वाला जो एंगल होगा वही आर्गुमेंट भी हो जाएगा, तो ये वाला आपका आर्गुमेंट सिर्फ उल्टा आ रहा है, चूंकि उल्टा ना आ रहा है तो माइनस थीटा लिखेंगे। अच्छा रियल एक्सिस का आर्गुमेंट क्या होगा, रियल एक्सिस का आर्गुमेंट क्या होगा, जीरो होगा या तो पाई होगा, यानी अच्छा एक बिल्कुल एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात आप नोट करने वाली बात है, ये चार के बाद पांचवे नंबर की। अच्छा कुछ ये नोट करने वाली बात है कि आर्गुमेंट, पहले तो ये ध्यान रखना कि आर्गुमेंट आप जो जेड है, जो आर्गुमेंट आप जेड है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहना है। अरे बात समझ में, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहना है। अब आपका सेकेंड नंबर की बात इसमें है कि आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस इसका आर्गुमेंट हो जाएगा जीरो, मतलब अगर यहां पे कहीं, अगर आपका इधर कहीं आपका जेड है, इधर कहीं जेड है, तो इसकी आपका हो जाएगा आर्गुमेंट जीरो। अगर आपका सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ
नेगेटिव रियल एक्सिस जो होगा इसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई, इस वाले माइनस वाले पे मैं ओपे लगा देता हूं कि अगर ये इधर कहीं नेगेटिव साइड में है, यहां कहीं जेड है, तो ये आपका हो जाएगा पाई, ये रियल है ये इमेजिनरी। और आपका मैं थर्ड पे बात कर रहा हूं कि आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस अगर होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस होगा तो यानी अगर पॉइंट आपका ऊपर साइड में लाई करेगा, इस वाले में इधर साइड में लाई करेगा, तो इसका इधर साइड में अगर कहीं पॉइंट लाई करेगा उसका आपका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई बाय टू। और चौथे नंबर पे आर्गुमेंट आप निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस का हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, क्योंकि जल्द सबसे जल्दी ये यहां से यहां फट से पहुंच जाएगा क्योंकि माइनस पाई बाय टू है अगर जेड कहीं यहां रहा तो। बात समझ में आ रही है, मतलब ये रियल एक्सिस इसका कई बार अपने से डायरेक्ट अगर आर्गुमेंट जीरो है मतलब और सीधे सीधे यहां पहुंचा हुआ है। बात समझ में आ रही है, सवाल पे लेते हैं, इधर टेबल हटा दे रहा हूं मैं, हाँ नोट करो फटाफट। तो देखो जेड बराबर वन प्लस आई, फटाफट आप आर्गुमेंट बताते जाओ, मैं बीच में जगह छोड़ते जा रहा हूं, आपको बताना है आर्गुमेंट आप जेड, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधे थीटा के बराबर हो जाएगा और थीटा टेन इनवर्स वाई, वाई का मतलब वन बाई वन, इसकी वैल्यू हो गई आपकी पाई बाई फोर। अगर मान लो मैं लिख रहा हूं यही जेड इज इक्वल टू वन माइनस आई, तो ये किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कहां गया, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका हो जाएगा माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाई फोर, ऊपर वाला ही थीटा रहेगा अभी भी आपका। अगर मान लो लिखा गया जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, किसमें थर्ड, थर्ड में क्या था माइनस पाई प्लस, यहां पे था माइनस पाई प्लस थीटा, और यानी माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर माइनस थ्री पाई बाई फोर, ठीक है। आपका चौथा सवाल में लिख रहा हूं जेड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई, बताओ इसमें थीटा पहले बताओ, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई मॉड वाई बाई एक्स मतलब मॉड वन अपॉन माइनस रूट थ्री टेन इनवर्स के साथ, सॉरी टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस रूट थ्री, ये हो गया वन अपॉन माइनस रूट थ्री मतलब टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई सिक्स थीटा की जगह पे, और किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड में, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है। अगला सवाल मैं ले रहा हूं जेड इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू आई, बोलो क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट अपने सिर्फ मैं लिख रहा हूं वन प्लस रूट टू, बताओ क्या हो जाएगा आर्गुमेंट इसका, आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि ये किस पे है रियल एक्सिस पे है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है क्या, अरे बात समझ में, पॉजिटिव वन प्लस टू रूट बस वन प्लस रूट टू है। अगला मैं लिख रहा हूं अब कि मॉड जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट टू आई, अब बोलो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, तो क्या हो जाएगा इसका, पहले थीटा निकालेंगे, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स सिर्फ रूट टू बाई माइनस वन का मॉड लगा देंगे, बिल्कुल नहीं जी कुछ नहीं आएगा, काहे काहे सही से कैसे, रूट टू है, तो ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक नेचर में रहेगा कि पाई माइनस थीटा, अरे बात समझ में, मान लो यही थीटा इज इक्वल टू है जेड इज इक्वल टू रूट थ्री आई, अब बोलो जरा माइनस रूट थ्री आई आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय टू के, क्योंकि ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा मान लो थीटा इज इक्वल टू आपका लिख दिया गया, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, जेड इज इक्वल टू लिखा हुआ है वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब आपसे आर्गुमेंट पूछ दे इसका, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा इसके लिए, तो पहले फिर थीटा इज इक्वल टू इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, अल्फा ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई मतलब आपका साइन अल्फा वन प्लस कॉस अल्फा, बात समझ में आ रही है। मैंने मान लिया कि जो अल्फा है उसको मैंने कह दिया कि जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में दे रखा है, हाँ बिल्कुल, इसको मैंने तोड़ दिया, साइन अल्फा को तोड़ दिया मैंने, टू साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा बाय टू, नीचे वाला नहीं टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, एक इससे कट गया एक इससे कट गया,
क्या बच गया टेन अल्फा बाई टू, और टेन से टेन अल्फा बाई टू हट के क्या बन गया एंगल कितना आ गया अल्फा बाई टू। तो क्या यही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा क्या, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा अल्फा बाई टू। बोलो बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट डाउन करो फटाफट। जरा इसका आर्गुमेंट बता दो बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस कॉस फाइव पाई बाई सिक्स पाई बाई फाइव, सिक्स पाई बाई फाइव प्लस आई साइन सिक्स पाई बाई फाइव, ठीक है, या सिक्स या सेवन कुछ भी इस तरीके से। हाँ ना, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे डिग्री में, बस ऐसे ही सवाल है, हम क्यों डिग्री में कन्वर्ट करें, आज सवाल तो ऐसे ही है। अब तुमको बताना है कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखो ना, क्या लिखा है ये सिक्स पाई बाई फाइव, पाई बाई पाई से ज्यादा कि कम, तो पहले उसको पाई से कम करो ना थीटा की वैल्यू। कैसे करेंगे, पाई प्लस पाई बाई फाइव, क्या लिखेंगे इसको, आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस कॉस, ये लिखा हुआ है पाई प्लस पाई बाई फाइव, फिर प्लस आई साइन, ये लिखा हुआ है पाई प्लस पाई बाई फाइव। बताओ अब ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वन माइनस कॉस पाई बाई फाइव दे दिया, और ये प्लस में ये क्या दे दिया आई, ये भी माइनस में दे दिया क्या साइन पाई बाई फाइव, और हम समझ गए कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव एक से कम तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव किस में चला गया अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, अरे चला गया कि नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट क्या हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस, और इसका आपका माइनस टेन इनवर्स ये साइन पाई बाई फाइव अपॉन वन माइनस कॉस पाई बाई फाइव। बोलो ये माइनस यहां रहेगा, ये ऐसा रहेगा, मॉड लग जाएगा, क्या ये वैल्यू माइनस टेन इनवर्स, क्या ये साइन पाई बाई फाइव, माइनस तो हट गया मॉड की वजह से, अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इसको लिख सकता हूं टू साइन पाई बाई टेन लिख सकता हूं क्या, इन टू कॉस क्या लिख सकता हूं पाई बाई टेन, सही है। थर्ड में कैसे पता थर्ड में लाइक करेगा, कॉस की वैल्यू हम कभी भी एक से कम रहेगी, खूब ज्यादा जाएगी तो भी एक जाएगी, हमेशा एक से कम रहेगी, आई बात समझ में, तो फोर्थ में लाइक करेगा, बात समझ में आया। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे इसका आधा एंगल टू साइन पाई बाई टेन इंटू कॉस पाई बाई टेन, और नीचे में ये टू साइन स्क्वायर पाई बाई टेन हो गया क्या, अच्छा जरा बताओ क्या एक स्क्वायर से एक ये कैसे कट गया, टू से टू कट गया, कॉट पाई बाई टेन आ गया क्या, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जो जेड आ रहा है अभी फिलहाल में, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू ये हो गया आपका कॉट पाई बाई टेन, ये हो गया आपका यहां पे टेन माइनस ऑफ टेन इनवर्स कॉट पाई बाई टेन, और कॉट को अगर टेन में लिख देता तो काम बन जाता। बोलो कॉट को टेन में कैसे लिखेंगे, क्या इसको टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टेन, क्या पाई बाई टू माइनस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, टेन पाई बाई टू मतलब और टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, और क्या वैल्यू दे दिया आपका माइनस में पाई, इसका एलसीएम हो गया टेन, और यहां पे बच गया आपका फाइव पाई माइनस टू पाई, आई बात समझ में, अरे बोलो एलसीएम सही है ना ये, नहीं सॉरी फाइव पाई माइनस पाई, फाइव पाई माइनस पाई, तो क्या दे दिया आपका ये फोर पाई बाई टेन माइनस फोर पाई बाई टेन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू पाई बाई फाइव, माइनस टू पाई बाई फाइव, माइनस टू पाई फाइव, बात समझ में आ रही है, ये आर्गुमेंट हुआ। अब हम बात करेंगे आगे रिमेम्बर मतलब थीटा के लिए इंपॉर्टेंट तीन बातें याद करेंगे, ठीक है, उसके लिए थीटा के लिए इंपॉर्टेंट तीन बातें करेंगे, ठीक है, नोट कर लो फटाफट पहले इसको, रिमेम्बर फॉर थीटा, थीटा के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, ये चीज जो चलेगी ना, ये जो चलेगी ये थीटा के लिए तीन बातें आपसे पूछा जाता है, तीन बातें पूछी जाती है, तीनों बातें हम यहां पे बात करेंगे, जैसे आपको नाम सुनाई दिया उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिस्ट पॉजिटिव एंगल क्या होगा,
लिस्ट पॉजिटिव एंगल या लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट या एंगल लिस्ट पॉजिटिव एंगल या लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का भी नाम लिया तो उस केस में आपका इस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो से लेकर के टू पाई के बीच में रहेगा। यानी जरा ऐसे समझो ये कि देखो यहां पे अगर आपका थीटा अगर आपका जेड यहां पे है तो लिस्ट पॉजिटिव एंगल जो होगा वो यहां से यहां तक वाला पूरा लिस्ट पॉजिटिव एंगल होगा। जो ये वाला हो जाएगा थीटा ये लिस्ट पॉजिटिव एंगल होगा जबकि आर्गुमेंट इधर से उल्टा वाला होगा। अरे आ रही बात समझ में ना। जबकि लिस्ट पॉजिटिव एंगल ये पूरा जैसे मान लो कि आपका यहां पर रहेगा ये पूरा घूम के यहां से यहां तक आएगा तो ये आपका लिस्ट पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रहा है। तो लिस्ट पॉजिटिव एंगल जबकि आर्गुमेंट माइनस हो जाएगा यहां से। दूसरा पूछा जाता है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा के जनरल वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे 2n पाई या जनरल वैल्यू ऑफ थीटा तो इसको लिखेंगे 2n पाई प्लस अल्फा। अभी मैं ना यहां पे अल्फा का मतलब ये लिख दे रहा हूं यहां पे कि जो अल्फा है वो आपका हो गया है tan इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। आप एक बात जान रहे हो कि हर 2n पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगी। अरे बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अल्फा वाई बाई एक्स के बराबर है अल्फा जो थीटा अभी तक चल रहा था अब उसको मैंने अल्फा मान लिया तो इसका जनरल वैल्यू लिखेंगे 2n पाई प्लस वही वाला अल्फा। ठीक है। अब आपका तीसरी जो पूछता है ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट यही है प्रिंसिपल। ये तो कभी कभी एक बार मेंस में पूछा है एक बार एडवांस का पूछा है। ये बात एक बार एडवांस में ये पूछा है मेंस में ये पूछा है दोनों पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। प्रिंसिपल मुख्य वाले का प्रिंसिपल यही होता है क्या? सही है। नहीं ये तो सिद्धांत वाला होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। सही है। तो इसकी हो जाएगी यहां पे जो अल्फा आएगा वो आपका माइनस पाई से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा या प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको प्रिंसिपल वैल्यू के बजाय लिखना है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में किसी एक जगह पे इक्वल टू लगा देंगे यानी जो अभी तक निकालते आए हैं वो सभी के सभी हमने क्या निकाला हुआ है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला हुआ है। क्या मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेनली सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये तीन बातें अपन लोग फिर इस पे कल सवाल करेंगे लेकिन फिलहाल में ये तीन बातें हम लोग याद रखेंगे कि किसी एक जगह लगा लो चाहे यहाँ हटा लो चाहे यहाँ लगा लो। ठीक है ना किसी एक जगह लगा लो वो बात एक ही रहेगी घूम फिर के आना है। तो ये आपका लिस्ट पॉजिटिव एंगल जनरल वैल्यू ऑफ थीटा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये तीनों में से जो नाम लिया आप ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है लाओ होमवर्क दे देते हैं कल के लिए।